रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए देश के साथ साथ विदेश से भी लोग पहुंच चुके हैं। विदेशी मेहमानों में कई सारे ऐसे हैं जिनमें सबसे बड़ा नाम है अनिल अग्रवाल भी थे, जिन्होंने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की और अनिल अग्रवाल ने उस पल को अद्भुत बताया। तो कई बड़े चेहरे, हालांकि इस बीच हम बड़ी खबर जो बता रहे हैं, तेज प्रताप ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि श्री राम हमारे मन में है, कण कण में है। तेज प्रताप यादव का श्री राम पर विवादास्पद बयान एक बार फिर सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, श्री राम हमारे कण कण में है। हालांकि तेज प्रताप यादव की ये बातें पहली दफा नहीं है, उन्होंने एक बार और मंच से कहा कि हमारे सपने में प्रभु श्री राम आए थे और सपने में आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ रहा हूं। 22 तारीख को अयोध्या के श्री राम मंदिर में आज आम लोगों के लिए दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। राम काज संपन्न हो गया है लेकिन सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। राम नहीं आ रहे, चुनाव आ रहे हैं। श्री राम तो हमारे मन में, हृदय में और कण कण में विराजमान है, पूर्व से ही यानी पहले से ही। तो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे का ये बयान पहली दफा नहीं है। लालू के बड़े बेटे राम मंदिर पर पहले से बयानबाजी करते हैं। अब आपको इस वक्त हम दिखाएंगे कि हाल फिलहाल में उन्होंने राम मंदिर पर कब क्या क्या कहा है। तो एक बार हम यहाँ पे बड़ी बातें बताते हैं उनकी। तेज प्रताप यादव ने कहा राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। ये हालिया बयान है, ये उन्होंने मंदिर उद्घाटन के बाद कहा है। उसके बाद कहा राम को लाने से पहले अंदर के रावण को बाहर निकाले अंधभक्त, ये कहा तेज प्रताप यादव ने। उसके पहले क्या कहा, मेरे सपनों में आकर बोले राम वो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आने वाले हैं, ये भी तेज प्रताप कह चुके हैं। तो ये उनकी बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया। उनका ये बयान काफी विवाद पैदा करने वाला है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में वो ये कहते नजर आए कि 6 दिसंबर के दिन जो लोग भूल जाने को कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं तुम्हारे बाप या माँ की मौत को भूल सकते हो क्या। ये विवादास्पद बयान दिया है उन्होंने 22 जनवरी की तारीख जब पूरा देश राममय था। कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंत की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ, तुम्हारे बाप की मौत को भूल सकते क्या तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते हैं क्या? आप एक सिस्टमेटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इश्यूज पैदा हो गए। उधर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजय ने इशारों में पीएम मोदी पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने से इनकार इसलिए किया गया क्योंकि हमें संविधान की धर्म निरपेक्षता के लिए प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। दिस नेशन बिलोंग्स टू ऑल पीपल and all sections of Indian society in equal measure. We cannot be promoting one religion above all others or demean one religion beneath every other. राम मंदिर पर आस्था से परे सियासत हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। ममता बनर्जी नेता मिलने के बावजूद अयोध्या नहीं गई, इसके बजाय उन्होंने कोलकाता में सर्वधर्म रैली निकाली जिसमें उन्होंने बीजेपी को महिला विरोधी पार्टी कह दिया। ममता बनर्जी ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ भगवान राम की बात करती है लेकिन देवी सीता को भूल जाती है। ममता ने आगे कहा कि वो निर्दोषों के शवों पर बने पूजा स्थल को कैसे स्वीकार कर सकती हैं। इससे पहले ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने भी यही बयान दिया था लेकिन ममता बनर्जी भूल चुकी हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था। राम मंदिर पर सियासत करने वालों पर बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने यह कहा कि कार सेवकों पर चली गोलियों को भुलाया नहीं जा सकता। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत राम राज्य के साथ साथ विश्व गुरु भी बनेगा। अपनी आंखों के सामने राम भक्तों की छातियों को पुलिस की गोली से छलनी होते देखा, गुप्ता जी को, महेंद्र अरोड़ा को और कोठारी बंधुओं को इन हाथों से मैंने उठाया, वो भीवत दृश्य भी मैंने देखा, परंतु राम की कृपा, न्यायालय का आदेश कि भगवान की कृपा से 500 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम
अयोध्या में आए हैं। 500 साल का जो स्लेवरी था खत्म हुआ। भारत ने आज दिखाया कि ये भारत में अभी सब संभव है। मोदी जी का नेतृत्व में आज देश को 500 साल का बाद एक नया प्रभात देखने का सौभाग्य मिला। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस नेता शशि थरूर भावुक हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने रामलला की तस्वीर साझा की और साथ में लिखा, सियावर रामचंद्र की जय। ये वही तस्वीर है जो शशि थरूर ने, जो कि अमूमन पार्टी लाइन से थोड़ा अलग हटकर जिस मुद्दे पर उन्हें सरकार का पक्ष रखना हो या सरकार के फेवर में बातें करनी हो तो बेहिचक करते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने रामलला की तस्वीर साझा की और लिखा, सियावर रामचंद्र की जय।